महुआ में खाद समस्या और कालाबाजारी से परेशान किसानों ने जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचकर सहकारी समिति के विक्रेता द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की है। दरअसल यह पूरा मामला जनपद के पचपहरा किसान सेवा सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है। इस समिति से जुड़े तकरीबन 8 गांव के किसान अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचे हैं। समिति के उपाध्यक्ष चिंता हरण चंसौरिया के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने सहकारी समिति में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत लिखित रूप से जिलाधिकारी से की है। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचे किसान अरविंद, रमाकांत, अभिषेक, अशोक, करण, मोहम्मद, अहमद, बीरपाल, मैया दीन आदि किसानों ने बताया कि वह पचपहरा किसान सेवा सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं और वर्षों से इसी समिति से खाद ले रहे हैं, लेकिन यहाँ का विक्रेता रमेश चंद तिवारी किसानों को परेशान कर रहा है। आरोप है कि खाद की कीमत अतिरिक्त 50 रुपये बोरी लिया जा रहा है और ना देने पर किसानों को दुत्कार कर अभद्रता कर भगा दिया जाता है। खुलेआम खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिसके चलते किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। अतिरिक्त पैसा देने वाले व्यक्ति को ही खाद मिलती है। सहकारी समिति के विक्रेता द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार से किसान परेशान है। यही वजह है कि इकट्ठा हुए किसानों ने पूरे मामले की शिकायत करते हुए उक्त मामले में जाँच कराकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ साथ खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की है, ताकि समय से खेतों में खाद दी जा सके। पूरा मालवा साधन सहकारी समिति पचपारा के हम लोग सदस्य हैं, वहाँ पर खाद कल खाद भी आ गई है, लेकिन ताला लगा के बंद कर जाते हैं। कर्मचारी को फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। और मैं उस बैंक का संचालक हूँ, मेरा नाम सूर्य प्रसाद राजपूत है। कई बार का खाद भी आ गई है, किसान भटकते हैं, किराया बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, जबकि किसान अन्नदाता पूरे देश को खिलाता, ये लोग सब पड़े रहते हैं। हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं, हम दिन रात काम करते हैं और यहाँ समय बर्बाद करते हैं, खाद मिलती नहीं, कालाबाजारी हो रही है, इधर उधर बेच देते हैं और तमाम लोग फड़फड़ा फिर रहे हैं। किस समिति में कालाबाजारी चल रही है? पचपारा समिति में। क्या मांग करते हैं जिलाधिकारी साहब? हम ये मांग करते हैं, हमें आदेश किए यहाँ खाद दिलाया जाए। आज जिलाधिकारी के आवास पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि जो है कि खाद की कालाबाजारी चल रही है। हर किसान से 50 रुपया लेकर के जो है एक्स्ट्रा जब किसान देता है तभी उसको खाद मिलती है, नहीं अन्यथा जो है टरका दिया जाता है। और समय नहीं बताते कि कब खाद बटेगी, जो है किसानों को जो है भटकाया जाता, परेशान किया जा रहा है। ये समस्या जो है बहुत ज़्यादा है ज़िले में, तो हम लोग जो है यहाँ जिलाधिकारी को सुनाने आए हैं कि इस समस्या का निदान किया जाए। एआर साहब जो है बात सुनते नहीं है, कहते हैं आप जो है वीडियो बनाइए रिश्वत देते हुए। हम लोग जो है शिकायत करते हैं तो शिकायत सुनने वाला नहीं है और तरह तरह की जो है बहाने बना करके जो है टरकाने का काम करते हैं। कितने किसान और कहाँ कहाँ के किसान आज इकट्ठा हुए हैं और किस समिति का ये मामला है? ये पचपारा समिति का मामला है, जो है छकारा से भी है, बिलबई से है, नथुपुरा से है किसान, जो है ये पूरी समिति के किसान है यहाँ जो है। अब हम लोगों को खाद नहीं मिलती, किसान बहुत परेशान है। वहाँ सेटिंग चलती है, दलाली चलती है, जो 50 रुपया विक्रेता रमेश तिवारी को देता है उसको चुपचाप खाद दी जाती है, प्रति बोरी 50 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। जिसकी सेटिंग नहीं है, गरीब किसान है, उसको कोई खाद नहीं मिलती, डांट के भगा दिया जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं उससे। हम चाहते जी, हमारा हम लोग 7-8 गांव के हैं, पूरा क्षेत्र है, बिलवई, छकेरा, बरात, पहाड़ी, पचपरा, सब लोग हैं इकट्ठे, करारा कला, सब जगह के लोग हैं। कहाँ की समिति है ये? समिति पचपारा समिति है, पचपारा किसान सेवा सहकारी समिति इसका नाम है, बिलवई चराय में है। हम DM साहब के यहाँ शिकायत करने आए हैं, हमारी समस्या सुनी जाए और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। मोहब्बत इरफान पठान की रिपोर्ट। धनतेरस के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों व बुंदेलखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय राजीव सिंह परीक्षा, विधायक बबीना, सत्येंद्र सिंह परीक्षा भैया जी, अमित महाराज पालक, पंडित सुमित पटेरिया राजापुर,